कुछ अलग ही है, इस बार एकदम कुछ अलग ही है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे भले चंगे ही होंगे। और आज है एकादशी, एकादशी गुजरात में एकादशी से दिवाली स्टार्ट होती है। वैसे हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं जिज्ञा, आप देख रहे हैं स्टेप अप विद जिज्ञा। एकादशी का डे मैंने कैसे बिताया वो मैं आपसे शेयर करूंगी आज। और इसके साथ ही सबको हैप्पी वाघ बारस एंड हैप्पी धनतेरस। जो मैं छोटी थी तब याद है कि मैं रंगोली करती थी सुबह में उठ के, और रुचा होती यहाँ पे तो मैं रुचा को भी बोलती थी रंगोली करते हैं। खैर आज मैं रंगोली नहीं करूँगी, पर मम्मी जो करती थी वो मैं सोचती हूँ कि आज करूँ। हर साल ऐसा होता है कि जॉब की वजह से सब कुछ नहीं कर पाते, काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाते दिवाली के टाइम पे। इस बार कुछ अलग ही है, इस बार एकदम कुछ अलग ही है। तो देखते कैसे कैसे दिवाली का टाइम निकाले, पर जैसे भी निकालेंगे पॉजिटिवली कुछ अच्छे से ही करेंगे। तो आज मैं वो सब करना करने का ट्राई करूंगी जो मम्मी करती रहती थी, कि सुबह में उठ के दिया किया ब्रेकफास्ट और वो सब। चलो वो तो मुझे नहीं करना है, पर फिर दिया करने के बाद मम्मी करते थे वो डोर पे वो पूजन करते थे ना छोटा सा। फ्राइज होने के तुरंत ही मुझे घी बनाना था बटर में से, तो बटर में घी आज पे छोड़ दे, क्योंकि मुझे घर का घी पसंद है। और यहाँ पर हमारे पास वो मलाई में से घी बनाना ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मिल्क में से मलाई नहीं बनती है। तो दिस इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। तो अनसॉल्टेड बटर मैं लेके आती हूँ और बस धीमी आंच पे पका देती हूँ, तो अच्छे से घी बन जाता है। चलो अब एमरस को देख लेते हैं। वो रात को अपने बॉक्स में नहीं सोया था, बाहर निकलना था तो फ्लोर पे रखा था, और कहीं पे भी कॉर्नर में जाके छुप जाता है वो। तो अब उसे वापस अपनी सनशाइन में रख देंगे, और उसके बाद दिया बत्ती कर लूँगी और थोड़ा सा मेडिटेशन अभी कर लूँगी 10 मिनट का। और नीड टू रिमेम्बर कि गैस पे घी भी तो रखा है। हमारा घी रेडी हो गया है, इसको मैं नीचे उतार दूंगी, गैस बंद कर दिया है। और अब हम चलते हैं आंगन की पूजा करते हैं। दोस्तों अब कुछ खाना तो बनाना नहीं है, एकादशी की है, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिया और मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग के लिए। इंडियन ग्रोसरी काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो रही है, जैसे जैगरी तो है ही नहीं बिल्कुल। तो बस थोड़ी सी शॉपिंग करके आऊँगी, मम्मी पापा से बात करनी बाकी है, रुचा से बात हो गई है, तो वापस आके फिर इंडिया फोन लगाऊँगी। आके फिर सब सब्जी धो के फिर मम्मी पापा से बात हुई और उन लोगों ने अपनी शॉपिंग दिखाई। इतनी शॉपिंग की थी उन लोगों ने कि मैंने शॉप में भी इतनी सारी चीज़ें नहीं देखी थी, इतनी बल्क में भी नहीं देखी थी। और मैंने मेरी दिखाई, फिर भाभी ने मुझे रंगोली और सब दिखाया, इतनी ब्यूटीफुल रंगोलीज की है उन लोगों ने। तो दिवाली तो मनाना मम्मी पापा के साथ ही मज़ा आता है। चलो मैं अभी मेरी थोड़ी शॉपिंग आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं भी कुछ इंटरेस्टिंग करती हूँ आज। तो शॉपिंग करने के बाद ये भी एक बहुत बड़ा काम है, सबको ढंग से क्लीन करके वॉश करके ड्राई करो। अभी सबको अच्छे से पानी से निकाल दिया है, और जो पोछना था वो एंटीबैक्टीरियल वाइप से सब पोछ लिया है, और यहीं पे ड्राई करने के लिए छोड़ दूंगी। लेट्स सी क्या लेके आई मैं। मूंगफली लेके आई जो बॉयल करके खाऊंगी, मिर्ची और आंवला, हल्दी, ये हल्दी मेरे को बहुत पसंद है, इंडिया में हम तो इतनी खाते थे।
सारे मसाले मैं कभी नहीं लाती थी, इस बार लाना पड़ा क्योंकि मम्मी इंडिया से नहीं ला पाए हैं। और ये मुझे वाइट ब्रिंजल मिल गए। मैंने अब तक ग्रीन खाए हैं और पर्पल वाले खाए पर ये नहीं खाए, तो आई विल शेयर द रेसिपी विद यू। आंवला, आंवला इट्स वेरी वेरी गुड। मैंने पहले भी एक वीडियो में मेंशन किया था, तो जब भी मिलते हैं तो अच्छे वाले मैं लेके आती हूँ और फ्रेंड के लिए भी लेके आई क्योंकि शी इज़ लाइक मी, अच्छे आंवले दिख जाए तो वो भी ले लेती है। तो हल्दी का अचार बनाऊंगी मैं और इसकी एक सब्जी बनाऊंगी ड्रमस्टिक की, हल्दी के साथ ये वाले ग्रीन चिली डालूंगी मैं। तो आपके साथ शेयर करूंगी मैं कैसे वो अचार बनाती हूँ। बजरी का आटा मिल गया है और थोड़ा सा नमकीन भी लेके आई। बस ये है मेरा शॉपिंग। अब मैं बातें करूंगी रुचा से फ़ोन पे और एमरस को भी खाना दूंगी। चलो मिलते हैं फिर से एमरस से। रुचा को फेस टाइम किया, वो थोड़ी बिजी थी तो फिर सोचा कि चलो रात को ही थोड़ा टाइम निकालना और बातें करेंगे। दोस्तों आप में से कई लोग टॉर्टोइस के बारे में पूछते हैं और रुचि जी आपके बेटे के लिए ये स्पेशल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये व्लॉग में कि ये हॉर्सफील्ड टॉर्टोइज है। द टाइप ऑफ टॉर्टोइज इज हॉर्सफील्ड और ये वन ऑफ द हेल्थीएस्ट टाइप है कि इसको इतना वो बीमार नहीं पड़ता है इतना जल्दी या फिर उसको कुछ खास मेडिकल वाइज कोई ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। खाने में मैं उसको सभी ग्रीन वेजिटेबल्स देती हूँ और कुकुम्बर काफ़ी पसंद है तो कुकुम्बर मैं अल्टरनेट। और मैंने जब स्टडी किया तब एक चीज़ पता चली थी कि उसको कैल्शियम और विटामिन्स को हमेशा फूड में साथ में देना है, तो मैं हमेशा कैल्शियम वाला जो पाउडर है रेप्टाइल का पाउडर है वो छिटकती हूँ हमेशा उसके मील पे और वंस इन अ वीक वो मल्टीविटामिन का थोड़ा सा पाउडर आता है वो भी छिटकती हूँ। तो वो बेसिक थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये बल्ब है उसका जो हीट भी देता है और यूवीए लाइट भी उसको प्रोवाइड करता है, तो इंडोर टॉर्टोइस है तो ये ज़रूरी है। अगर आप इंडिया में हैं और आउटडोर रखते हैं तो सन साइन काफ़ी अवेलेबल है इंडिया में कई पार्ट में स्पेशली, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये थी थोड़ी सी एमरस के बारे में बातें और कभी टाइम मिला तो मैं अच्छे से इसका वीडियो बनाऊंगी, पर अभी मैं एक मेरी फेवरेट एक्टिविटी कर रही हूँ, दो एक्चुअली, मेहंदी लगाना और रुचा से बातें करना, दोनों मेरी फेवरेट एक्टिविटी है। तो ये इस टाइम पे ये वाली मेहंदी रुचा को भी पसंद आई थी। मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा आता है। और दोस्तों आपको मेरे व्लॉग्स की ब्राइटनेस अच्छी लग रही है, वो इम्प्रूव हुई है, ज़रा कमेंट में बताना। वो दीपिका की बदौलत से है। दीपिका को काफ़ी वो हो रहा था कि मेरे कई व्लॉग में लाइट इनफ नहीं होती है, तो उसने खुद की एक लाइट सेटअप था वो लॉकडाउन से पहले भैया के साथ भिजवा दिया था और भैया ने सेटअप भी करके दिया था, तो काफ़ी उसके बाद के सभी वीडियो में मैं इसका यूज़ कर रही हूँ और ब्राइटनेस का ध्यान रखती हूँ, तो आई होप आपने नोटिस किया हो। बट थैंक यू वेरी मच दीपिका फॉर दिस। तो चलो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ऐसा ही मेरा गया 11th November, फर्स्ट डे ऑफ दिवाली। आप सबने कैसे मनाया ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक एंड कमेंट करना नहीं भूलना और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। Thanks for watching us. Bye-bye for now. Stay safe, happy and healthy. Lots of love to all. Happy Diwali to all again. Bye-bye.